हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीप ज्योति, आपका दोस्त, आपका भाई। आ गया एक नया व्लॉग लेकर। तो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 11:30। तो मैं निकल पड़ा हूँ और मेरे एक भाई के साथ, और पिंटू दादा भी आज जा रहा है हम लोगों के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं टाकी रोड के तरफ, जो कि मतलब बांग्लादेश बॉर्डर के तरफ जाता है। सो आज मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, वो है एक गांव में एक्चुअली। तो जगह का नाम है धन्यकुड़िया। तो वहाँ पे एक्चुअली पुराने जो ज़मींदार लोग होते थे ब्रिटिश टाइम के समय, तो वो लोग वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैलेस टाइप जैसा बनाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर है। तो वही हम लोग आज देखने जाएंगे। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए ये जर्नी पे। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि पुराने जो हवेली होते थे, पुराने लोग जो ज़मींदार वाले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से वो लोग वो सब बने हुए हैं, तो उस टाइम के पैलेस बंगलो कैसा दिखता था। अरे KFC তোমার এইখানে, এই যে এদিকে অরিজিনাল KFC এখানে। সো গাইস, পিন্টু দাদা আ গয়া হ্যায় আর হম লোগ অভি নিকলতে হ্যায়। सो हम लोग चापाडाली से निकल चुके हैं। अभी यहाँ पे रास्ते का काम हो रहा है, तो अभी बहुत धूल उड़ रहा है, इसीलिए रास्ते पे पानी दे रहा है ताकि मतलब ज़्यादा धूल ना उड़े। ये देखो शादी का सीज़न है, सब जा रहा है एकदम बढ़िया बैंड बाजा लेके। अब पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब आगे जाके पेट्रोल भरना पड़ेगा यार। तो चलो पेट्रोल भर लेते हैं। मुझे अभी गाना गाने का मन कर रहा है, आओ कभी हवेली पे। और गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, जल्दी जल्दी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वेस्ट बंगाल का बहुत सारा छोटा छोटा ऑफ बीट जगह है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और कमेंट में भी बताना आप लोगों को कैसा लगा। और अगर कोई लोग पहले भी आ चुके हैं धन्यकुड़िया में, तो ज़रूर मेंशन करना और मैं किस जगह मिस कर दिया, तो मैं देख लूँगा। क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ और नेट से मुझे जितना मालूम पड़ा उतना ही मैं लोकेशन देखा। तो गाइस हम लोग आ गए, ये देखो धन्यकुड़िया लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड, वो रहा दिख रहा है एक पुराना टावर जैसा दिख रहा है, ये है धन्यकुड़िया का ग्राम। सो गाइस ये देख रहे हो, ये एक पैलेस का गेट है। तो दिख रहे हो कैसा पुराना हवेली जैसा है, मतलब एकदम वहाँ पे जो ब्रिटिश का मतलब जो फाइटिंग होता था वो सब इमारत पूरा बना हुआ है एकदम, और अंदर है पूरा हवेली। देख रहे हो वो दूर पे एकदम वो वाला हवेली है पुराना एकदम, बहुत ही सुंदर सा जगह है। मतलब उस टाइम पे कितना बड़ा हवेली है, अभी तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, अभी ये पुराना है एकदम। सो गाइस ये 200 साल पुराना हवेली है, और देख रहे हो पूरा जंगल ही जंगल है, मतलब एकदम आजू बाजू में जंगल भर गया, बट अंदर जा नहीं सकते। पता नहीं, हम लोग सोच रहे कि पीछे के तरफ से अगर जा सकते हैं तो देखते हैं। तो चलो देखते हैं पीछे जाके कुछ पॉसिबल होता है कि नहीं, जो गांव है उसके अंदर घुस गए मेन रोड से। अंदर जाने का कोई ठीक जगह नहीं मिला, क्योंकि पूरा ही जंगल है। यहाँ का जो मेन ज़मींदार था वो है गायन, तो उसका ही पूरा ज़मीन यहाँ पे है। तो जो आपने पहले वाला हवेली देखा, तो ये है गायन बगानवाड़ी, मतलब ये उसका ही एक हवेली है। यहाँ पे सब बहुत ही पुराना पुराना, ये देखो ये है धन्यकुड़िया का हाई स्कूल,
So guys, देखो ये भी एक हवेली टाइप सा है। नमो नमो। तो इसका नाम है गाइन पैलेस। तो गाइज आप लोग सोच सकते हो कि उस टाइम पे जमींदार लोग जो घर बनाते थे, मतलब पूरा पैलेस जैसा देखिए पूरा, और यहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है दुर्गा पूजा के टाइम पे। ये गायन परिवार का एक मंदिर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस मंदिर के अंदर पूजा होता है। तो ये 4 बजे खुलेगा, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है। तो यहाँ पे हर रोज़ पूजा होता है जो कि 4 बजे होगा, और सुबह भी पूजा होता है। तो बट हम लोग इस हवेली के अंदर नहीं जा सकते, बस बाहर से ही देख सकते हैं। बहुत बड़ा हवेली है, और ये ज़मीन अभी भी मतलब उन लोगों के जो भी मतलब। तो मेरे ये पीछे के जो हवेली है ये अभी मेंटेनेंस, अभी के जो वो गायन परिवार का सदस्य है वो लोग अभी देखभाल कर रहा है, और इस मंदिर भी वो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो चलो आगे भी और भी हवेली है, अभी हम लोग बल्लभ परिवार के हवेली पे जाएंगे। चलो देखते हैं, आप लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहो, आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर। तो आप लोगों ने देख लिया गायन का मैंशन भाई कितना बड़ा था, और उस टाइम मतलब लोग के पास कितना पैसा था। बल्लभ जमींदार के पैलेस में अब हम लोग जाएंगे। देखो ये भी एक जमींदार बाड़ी है, तो कितना बड़ा देखो भाई साहब। और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये अभी मेंटेनेंस भी होता है, सही तरीके से रखे हैं, इसीलिए मतलब बहुत सही दिख रहा है। क्योंकि देखो रिसेंट ही शायद ये जो वॉल है इन लोगों ने बनाया, बट इसके अंदर शायद हम जा नहीं सकते। तो ये एक तुलसी मंच है जैसे पुराने हवेली पे, जैसे पुराने पैलेस में होता था। तो ये है इन लोगों का मेन गेट, तो अंदर तो जा नहीं सकते, बट आप लोग देख रहे हो सामने कितना बड़ा जगह है। यहाँ पे सब मतलब पुराने दिन में जैसे हम लोग मूवीज़ पे देखते हैं कि बड़े आंगन में नाच गाना ये सब होता है, और अगर आप बंगालीज़ मूवी देखेंगे दुर्गा पूजा ये सब होता है टाइम पे। उस समय में कैसे घर को मतलब जो दीवार के ऊपर, दरवाजे के, खिड़की के ऊपर कैसे डिज़ाइंस बनाते थे, उस टाइम भी मतलब इंडिया का जो डिज़ाइंस है, जो आर्किटेक्चरल जो काम है, बहुत पुराने साल से होते आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये धन्याकुड़िया का एक लाइब्रेरी है, ये पूरा जो है साहू परिवार का ये घर है, पूरा बंगलो है। बोल लो बैठा कौन दिखे, ओ दिखे। ये है बल्लभ परिवार का पैलेस, देखो कितना सुंदर है। तो हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते, मैं इतने दिन से बरासात में रहता हूँ मगर पता ही नहीं था कि बशीरहाट के तरफ इतना सारा मतलब जमींदार का घर है। और देखो भाई अभी भी मतलब ये कितना पुराना गेट है, मतलब एकदम लोहे का बना, मतलब ऐसे क्वालिटी का गेट तो अभी दिखता ही नहीं। देखो भाई सो गाइस, मैं और पृथ्वीराज ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग जरूर आएंगे, क्योंकि राजबाड़ी का जो मतलब जमींदार बाड़ी का जो दुर्गा पूजा होता है वो बहुत ही देखने का चीज़ होता है, क्योंकि पुराना इतना जो इतना 100 साल पुराना, उसका अलग ही तरीके से पूजा किया जाता है, उसका नियम, उसका दुर्गा माँ का जो मतलब सजाया होता है वो भी पूरा अलग तरीके से होता है। तो गाइस तुम लोग मेरे साथ रहो, हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ गया धन्नकुड़िया का जो राष्ट्र मंच है उसके सामने, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है एकदम।
तो आप लोग गूगल में इजीली सर्च करके इधर आ जा सकते हो, धन्यकुड़िया का राशमंच बोल के, गांव के अंदर ही पूरा मेन रोड के ऊपर ही है। और सामने ये है धन्यकुड़िया का रथखोला AFP स्कूल। राशमंच में पूजा पर सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देखा कि जो मिट्टी का यहाँ पे प्रदीप वगैरह सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब पूजा पाठ यहाँ पे ज़रूर होता है। इसको देखो, मंजुलिका आ गया, नाचेगा। So guys, so, मेरे अंदर मंजुलिका का भूत आ गया है, सो मैं अब नाचूंगी। बंदे के अंदर पूरा मंजुली का भूत एकदम घुस गया है, इसको उतारना पड़ेगा। गाइज, मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हो ये है नाच महल। यहाँ पे मतलब पुराने ज़मींदार जैसे हम लोग मूवीज़ पे देखते हैं, मतलब सब नाचते थे और यहाँ पे आके मतलब मज़े करते थे। 200-300 साल पुराना ये नाच महल अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और इसका शायद उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता, बट फिर भी देखभाल तो होता है। और यहाँ पे एक सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा एक गार्डन है। हाँ, राजघराना, ये भैया भाई ने सही बताया, मतलब अभी राजघराना के लोग नाच महल छोड़ के पब में जाते हैं। देख सकते हो पूरा जंगल में, एकदम जंगल के बीच में ये नाच महल है। इसका अगर ईंट देखोगे तो कितना, मतलब इसका जो प्लास्टर है ये अभी झर गया है, अभी बहुत जगह टूट गया है। जो खिड़की पूरा एकदम उडेन का बना हुआ था वो भी मतलब ऑलरेडी टूटा टूटा जैसा दिख रहा है पूरा। और हम लोग सोच रहे थे कि रात को आएंगे, तो रात को आके यहाँ पे जिन लोगों को भूत भूत का एडवेंचर करना पसंद है तो वो लोग आ जाओ यहाँ पे रात को और मज़ा ले लो एकदम। पता नहीं, देखो ये है, हम लोगों को एक दरवाज़ा मिल गया। पृथ्वीराज, हम लोग पीछे के दरवाजे से घुस रहे हैं, तो ये पीछे का व्यू है, देखो एकदम पूरा खुल जा सिम सिम। आईडा खुले चिक्के, हमने ढूंढ लिया है। अब श्योर मंजुलिका रात्रा तोर भीतर ढुके छे, तीन जने ये हो जाएगा ना, तो हॉन्टेड जंगल। बहुत ही डरावना जगह है, मतलब रात को अगर कोई आएगा ना यहाँ पे तो बेहोश हो जाएगा। एक सुंदर सा तालाब है जो हम लोग राशमंच से देख पा रहे थे। और मेरे साथ आज जो भाई आए हैं ये है पृथ्वीराज, और इसका भी चैनल है पृथ्वीराज VNR बोल के, तो आप लोग ज़रूर जाइए। मैं इसका लिंक, इसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज़रूर जाके इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई भी बहुत जगह पे घूमने जाता है। आपको अगर अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये पुराना जो हवेली है देख कर। और चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब लोग अच्छे से रहना और स्वस्थ रहना। चलिए, टाटा बाय।